नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके क्वालिटी मात्रा में। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे चैनल के जो 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं वो पार हो चुके हैं। सो इसके लिए आप सबका दिल से थैंक्स। सो दोस्तों इसी तरह अपनी जो सपोर्ट है, आपका जो प्यार है, वो चैनल के साथ बनाए रखें। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे और भी काफ़ी सारी क्वालिटी वीडियोज़ आनी बाकी है। सो इसी तरह सपोर्ट जो है वो करते रहे। चलिए चलते हैं हमारे आज की वीडियो की तरफ, जो कि है ZMA के बारे में। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ZMA होता क्या है, क्या ये आपके लिए सही होता है या नहीं, क्या आपको इसका यूज करना चाहिए और भी बहुत कुछ। और साथ ही आज इस चैनल पे आपको चिराग रावत जी भी देखने को मिलेंगे, जो कि एक बेसिकली यूट्यूबर हैं और हमारे काफी अच्छे फ्रेंड भी हैं। सो इस चैनल पे वो भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जिस वीडियो को। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं चिराग रावत जी से कि ये ZMA होता क्या है। हे गाइस, दिस इज चिराग हियर। तो यहाँ पे ZMA के बारे में बात हो रही है। गाइस, ZMA के अंदर जिंक प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है और विटामिन B6 प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो जिंक का काम है, बेसिकली गाइस जिंक जो यूज होता है वो एक नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, जो कि मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। जो गाइस मैग्नीशियम और विटामिन B6 है, दोनों के दोनों आपकी रिकवरी में हेल्प करते हैं। जब आपकी मसल सोरनेस हो जाती है या फिर आप जिम में आकर आपने काफी एक्सरसाइज करी, आपने काफी अपनी लिमिट्स पुश करी है, लेकिन नेक्स्ट डे आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हो अपना, क्योंकि नेक्स्ट डे आपकी प्रॉपर रिकवरी नहीं हुई है। तो अगर आप ZMA यूज करते हो, तो जब आप रात को सो रहे होते हो तो उस टाइम आपकी बॉडी एकदम अच्छे से रिकवर कर जाती है। ZMA का मेन काम है तो यही होता है कि आपकी सोरनेस कम करे और आपको अच्छी तरीके से रिकवर कर सके नेक्स्ट डे के लिए। थैंक्स टू गुरजिंदर ब्रो फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल एंड आल्सो कांग्रेचुलेशन फॉर क्रॉसिंग 50,000 सब्सक्राइबर्स ऑन YouTube। सो दोस्तों ये थे चिराग रावत, जिन्होंने हमें बताया कि ZMA तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है जिंक, मैग्नीशियम एंड विटामिन B6, और ये तीनों ही चीजें आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि आपको ये ZMA से मिल जाती हैं। और यहां पे मेन क्वेश्चन ये रहता है कि क्या आपको ZMA का यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं। देखिए इसका एक सिंपल सा आंसर है, अगर आप वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, मीन्स अगर आप जिम वगैरह जाते हो या फिर अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो फिर आपको ZMA का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। मीन्स एक तो इससे मसल रिकवरी हो जाती है और दूसरी बात यह है कि ये नेचुरली टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बूस्ट कर देता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, कुछ वर्कआउट वगैरह नहीं करते, तो फिर आपको इसका यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स फिर इसके बिना भी आपका काम चल जाएगा। और दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा कि आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स के ZMA मिल जाएंगे, लेकिन जो ब्रांड मैं सजेस्ट करता हूँ वो है हेल्थवीट का। जो हेल्थवीट का ZMA होता है वो प्राइस की टर्म्स में वो काफ़ी सस्ता पड़ेगा। चलिए बात करते हैं इस हेल्थवीट के ZMA के बारे में। तो ये आता है इस पैकेजिंग में, मीन्स आपको ब्लैक एंड येलोइश कलर की पैकेजिंग देखने को मिलेगी और यहाँ पर लिखा गया है विद जिंक, मैग्नीशियम एंड विटामिन B6 स्पोर्ट्स रिकवरी। और इस बॉक्स में आपको मिल जाते हैं पूरे 90 कैप्सूल्स। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन के बारे में कि इससे हमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। तो इसमें तीन ही न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो कि हैं जिंक, मैग्नीशियम एंड विटामिन B6। और यहाँ पे जो सर्विंग साइज लिखा गया है वो है 3 कैप्सूल्स फॉर मैन एंड 2 कैप्सूल्स फॉर वुमेन। और इसमें जो जिंक हमें मिल रहा है वो है 30 मिलीग्राम, जो मैग्नीशियम मिल रहा है वो है 450 मिलीग्राम और जो विटामिन B6 है वो है 15 मिलीग्राम। और यहाँ पे मैं कहूँगा इसमें से जो हमें जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन B6 की अमाउंट मिल रही है वो एक्चुअली काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप कोई ZMA खरीदने का प्लान कर रहे हो, तो ये जो हेल्थवीट का ZMA है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाते हैं। चलिए जानते हैं कि किस तरह यूज़ करना है ZMA को। तो देखिए जो मैंस हैं उसको इसके 3 कैप्सूल्स का यूज़ करना है और जो वुमेन्स होती हैं उसको 2 कैप्सूल्स का यूज़ करना है। और रात को सोने से पहले खाली पेट आपको इसका यूज़ करना है, ताकि जब रात को सोओगे जो मसल की रिकवरी है वो साथ साथ होती रहेगी। और दोस्तों यहाँ मैं एक चीज़ कहूँगा कि वैसे तो इस ZMA को हर कोई पर्सन यूज़ कर सकता है, लेकिन अगर आपकी एज 18 साल से कम है या फिर जो प्रेगनेंट वुमेन्स होती हैं या फिर अगर आपकी अलग से मेडिसिन चल रही है, तो उस केस में आपको इसका यूज़ नहीं करना। चलिए अब हम बात करते हैं इस ZMA के प्राइस के बारे में। तो इस 90 कैप्सूल्स का यहाँ जो MRP प्राइस लिस्टेड है वो है 1100 रुपये, लेकिन अगर आप इसको ऑनलाइन खरीदते हो तो आपको ये काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा। सो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो वहाँ से खरीद सकते हो। तो दोस्तों ये था ZMA का रिव्यू, जिसमें चिराग रावत जी ने हमें बताया कि ZMA होता क्या है, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उनका चैनल भी ज़रूर चेक कीजिए।
सो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको उनके चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे विजिट कीजिए और उनके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छी वीडियोस डालते हैं। सो दोस्तों ये था ZMA का रिव्यू और कुछ इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है वीडियो को अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो भी अपने व्यूज़ हैं, सवाल हैं और वीडियो को कैसी लगी वो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर दोस्तों जल्दी मिलेंगे और नए मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।